हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप आप सबको ये काफी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको श्वेता। और जो मेरे चैनल में नए हैं जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत कोई को मेरे हाथ में मतलब हाथ चलाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं समझती हूँ। बहुत इरिटेटिंग होता होगा, मैं ट्राई कर रही हूँ उसे कंट्रोल करने का कि हाथ से ये करना या फिर कुछ, मैं खुद में ट्राई कर रही हूँ। तो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन कि मतलब वैसा हो रहा है आप लोग के साथ कि आप लोग बहुत इरिटेट हो जा रहे हो। सॉरी, मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? बट आप लोग प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत क्या करो यार, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है सही में। क्योंकि वो मेरी एक आदत बन चुकी है यार, समझाते समझाते ये वो करते रहने का, तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है। बट इट्स ओके, आप मेरे फैमिली हो, कह रहे हो इट्स ओके, चलता है थोड़ा मोड़ा। बट सोच समझ गए यार, थोड़ा मोड़ा प्लीज। और बाकी ये वीडियो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा क्या है। मैं अपना प्लान्स बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा कि नीट का डेट आ चुका है, जो कि है 7 मई 2023। और बाकी तो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी आ चुका है, जेई मेन्स का हो गया या फिर COET का हो गया। आप लोग नीट के अलावा और कोई पेपर्स भी भर रहे हैं क्या? कौन कौन भर रहे हैं, कौन किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। तो आप लोग जैसे कि अभी आप लोगों ने PYQ लगाना शुरू किया है या नहीं किया है, और किसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चालू हो चुका है, किसका सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ है, किसी का चालू भी नहीं हुआ है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर हम लोग मान के चले कि चलो थोड़ा मोड़ा तो पढ़े ही हो गए यार अभी तक में, अगर अभी नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, अभी भी यू हैव एटलीस्ट 3 to 4 months, ठीक है? आप अपनी जितना जान लगा सकते हो पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि इस बार के बाद अभी जितना एफर्ट्स डालोगे ना, लास्ट में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आपको मतलब MBBS का सीट मिल रहा होगा, गवर्नमेंट सीट, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगा यार। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सैक्रीफाइसेस चलता है, ठीक है? तो मैं बता रही थी कि मेरे कमेंट्स में आ रहे थे आप कैसे कर रहे हो अभी, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो ये वो करके। तो जैसे कि एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ भी कि मेरे LN में मतलब सिलेबस कंप्लीट होगा ऐसा बोला गया है कि 9 अप्रैल तक कंप्लीट होगा, बट बहुत लेट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। और टीचर्स बहुत स्पीड में उड़ाएंगे भी लग रहा है, डर भी लग रहा है इस बात को लेकर। उड़ाएंगे मतलब क्या ही, वो सारा टॉपिक्स तो कवर करेंगे ही, बट डर तो लगेगा ना यार कि वो स्पीड कैचअप हो पाएगा या नहीं, कुछ ना कुछ। तो वो इसके लिए आप लोग भी बैकअप प्लान लेके चल सकते हो। हाँ, तो ये बात याद रखना। पहला बात मैं क्या कर रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रूटीन टाइप का बना रही हूँ अपना शेड्यूल, और ये फॉलो होता है, टेंशन नहीं लो, ये फॉलो हो रहा है अभी तक तो। एंड लेट्स प्रे कि फॉलो हो जाए ये, अगर ये फॉलो हो जाएगा तो बहुत सही है। और अगर आप जैसे कि फिर उसके बाद चलो एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि आप फिजिक्स को बता देते हो आप कैसे कर सकते हो, मैं पर्सनली खुद कैसे कर रही हूँ वो बताती हूँ, फिर आप लोग अपने अपने हिसाब से अगर आपको सुटेबल लगे तो आप वो चीज़ अपना लेना। अपना ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ कि क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि सबका सिलेक्शन हो तो कितना अच्छा लगेगा ना यार। तो जैसे कि फिजिक्स का मैं बताती हूँ, पहले PYQs वगैरह मैंने, बायो का तो मैंने दिशा का लिया हुआ था। रुको एक मिनट यार, मेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, बायो का मैंने दिशा का लिया हुआ था, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने MTG का लिया हुआ था। बहुत कोई उन्हें सजेस्ट किया था ये बुक बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं खुद वहाँ पे गई भी थी, देखी भी थी ऑनलाइन में, पहले PDF देखा मैंने, तो मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इसके आंसर्स अप्रॉक्सीमेटली सारे, अभी तक तो मैंने जितने चैप्टर्स के लगाए हैं उसके कोई गलत निकले नहीं थे, तो मुझे लगा चलो ठीक है। और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन फॉर्म में दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बस ऑप्शंस दिए हैं, मतलब ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो बस नहीं है, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है? और सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। और ये रहा एक मिनट, और जैसे कि आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हो पहले, ठीक है, या तो वीडियो देख रहे हो या तो क्लास से कंप्लीट करके आ रहे हो, तो आप पहले ना अगर PYQ लगा सकते हो तो पहले PYQ लगाने बैठ जाओ, ठीक है? और नहीं तो मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का exercise 1 2, मतलब जो भी मॉड्यूल का लगा लो, और साथ में आप फॉर्मूला शीट बना लो। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो जैसे कि आप फॉर्मूला शीट देख रहे हो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, फिर ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पेज में हो गया है, बस ये पेज में, ये रहा मैटर वेव्स का, तो वैसे करकर कि मैंने जितने चैप्टर्स हुए हुए हैं, फिर ये रहा बायो का भी मैंने बनाया हुआ है 1 पेज नोट्स, जैसे कि आप देख रहे हो बायो का डाइजेशन वगैरह का चैप्टर का था, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। तो आप लोग चाहो तो 1 पेज नोट्स, अगर आपको प्रोडक्टिव लगता है तो 1 पेज नोट्स बना सकते हो, नहीं तो फिर इसका बस फॉर्मूला शीट बनाओ,
ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाने के बहुत फायदे ये हो सकते हैं कि आप जब क्वेश्चंस बनाने बैठो ना तो सारे फॉर्मूला एक बार में नहीं स्ट्राइक करते दिमाग पे। पहली बार बना रहे हो तो फॉर्मूला शीट रख के भी बना लो, या फॉर्मूला शीट रख के बनाना मतलब ये नहीं कि सामने रखे हैं करते जा रहे, ये चीज मत करिएगा आप लोग। फॉर्मूला शीट को एक बार रिकॉल करो, देखो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, सब समझो। उसके बाद जहां अटक रहे हो फिर वो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है देखने में पहली बार में। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस में गलती हो रही थी, आप वो क्वेश्चंस को मार्क करके रख लो। और अगर ये चीज है तो आप वो क्वेश्चंस को हो सकता है तो एक कॉपी में या कहीं पे मतलब एक पर्टिकुलरली जहां पे आप बना रहे हो उसी में स्टार्ट कर लो कि हाँ ये क्वेश्चंस आपसे गलत होती है तो होती है हर टाइम, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, ये कर सकते हो आप। बाकी तो आप देख ही रहे हो यार, केमिस्ट्री के भी मैंने वन पेज नोट्स बनाए हुए थे, ये NLM फ्रैक्शन के हैं, NLM वगैरह के हैं, देख ही रहो कैसा बन रहा है, अच्छा है क्या पता नहीं, मजाक कर रही हूँ यार। और हाँ, तो फिर ये चीज मैंने इसमें किया हुआ था। और बायो के केस में ये क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ और एक और चीज़ मैं करती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन लगाई हूँ मैं, PYQ लगाई हूँ, मॉड्यूल अगर लगाती हूँ तो जो क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं स्पेशली, तो पॉसिबल नहीं है ना कि उतने सारे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली खोजना कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, ये वो करके, और वो भी मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन हैं, और मतलब वो खोजने के लिए मुझे NCERT में जाना पड़ेगा, मॉड्यूल्स में जाना पड़ेगा, फिर नीचे मतलब ये PYQ जाना पड़ेगा। तो मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं मैं उसमें इसमें ये लिख लेती हूँ, मेरा ये मिस्टेक कॉपी टाइप का। आप लोगों ने बहुत टीचर्स को सुना होगा ये मिस्टेक कॉपी, स्पेशली आनंद मणि सर ने कहा होगा, आपने सुना होगा, तो मुझे बहुत सही लगा। जब भी मैं टेस्ट देने जाती हूँ तो मुझे पता रहता है कि चलो ये चैप्टर पर मेरा सारा चीज़ पर कंट्रोल है, और मैं वन पेज नोट्स थोड़ा सा फ्लिप करके देखती हूँ और ये मिस्टेक कॉपी देख लेती हूँ, हाँ ये क्वेश्चंस पे मेरे गलती होते हैं, तो ये क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल हो जाता है, राइट। तो आप ये चीज़ कर सकते हो इसके केस में। बाकी तो ये सब चीज़ आप देख लो यार, उस हिसाब से आप ऐसे करके भी फॉलो कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ मैं खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। और अगर आप जैसे PYQ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो बायो जैसे मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुआ, तो आप ना एक पेज पे ना जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ये भी मैंने किसी से सीखा है, ठीक है, आप लोग उनका ब्लॉग देखते थे, आपने भी सीखा होगा या आपके भी कोई टीचर्स ने सपोर्ट करके सिखाया होगा या किसी ने कहा होगा ये बात, मैंने भी किसी से सीखा, मैं भी सोची आप लोग से शेयर कर लूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि हाँ ये भी कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ मैं। तो आप वो मतलब वो PYQ का कॉन्सेप्ट लिख लो, अगर आप वो कॉन्सेप्ट देख लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन से ये मतलब ये पार्ट से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप जाने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट देख लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हुआ होगा, आपको क्वेश्चन के पता चल चुके हैं, राइजिंग कैसे हो सकता सब चीज़ पता रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना, ये चीज़ के लिए काफ़ी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे रहा मेरा ये सारा चीज़। और एक मिनट एक और चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं आ गई वापस। ये मैं कह रही थी कि इस बार एलन वालों ने दो बुक नया दिया है जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा एज, अभी केमिस्ट्री का नहीं दिया इन्होंने, शायद अभी आया नहीं है या पता नहीं देंगे या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये दोनों मिला है हम लोग को। तो मैं दिखाती हूँ, जैसे लास्ट टाइम याद है कि 2022 कह रही हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम, हाँ लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड थे, तो उसमें बहुत बैंड बजता है यार, मेरा पर्सनली बैंड बजता है, क्योंकि एक तो पहले वो असर्शन देखो, स्टेटमेंट वन देखो, फिर स्टेटमेंट टू देखो, फिर देखो कि वो सही है कि नहीं, वो रीज़न दे रहा है कि नहीं, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, राइट। उसमें मार्क्स मतलब रिड्यूस होने का ज़्यादा, डिडक्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स देख रहे हो, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा ना। अच्छा, मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा दूंगी, मैं ओवरव्यूज दे देती हूँ कि असर्शन रीजन टाइप का है, मैच द फॉलोइंग्स वगैरह है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, फिर यहाँ पे और क्वेश्चन जो मन है वो सारे के क्वेश्चंस है, यहाँ पे आंसर्स है, सारा चीज़ दिया हुआ है, पर्टिकुलरली चैप्टर बेस्ड है ये, चैप्टर बेस्ड में काइनेमैटिक्स का, ये काइनेमैटिक्स का, ये रहा फिजिक्स का पूरा पार्ट, और उसके बाद में बायो का भी दिखा देती हूँ। ये रहा एनिमल डाइवर्सिटी, फ्रॉग एंड अर्थ वर्म का, तो आप देख ही रहे हो, ये पर्टिकुलर चैप्टर में बताती हूँ कि कितना होगा, ठीक है। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का देख के बताती हूँ, एक मिनट, कि कितने क्वेश्चंस होंगे उनसे, या सेवा ले रुकिए, एक मिनट, 37 एक मिनट रुकिए,
तो अप्रोक्स 10-14, कभी किसी में 30, ऐसे ऐसे करके, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का, टोटल प्लांट फिजियोलॉजी का टोटल 30 assertion reason questions दिया हुआ है, तो बहुत beneficial हो सकता है यार, बहुत confusion होता है, इसलिए इससे तो कोई काफ़ी चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ सब स्ट्राइक कर जाएगा। तो अगर आप लोग को ये मिला है तो आप लोग भी बताओ कैसा आप लोग को बेनिफिशियल लगा या नहीं, या अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका कोई कोई क्वेश्चन कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लूँ या क्वेश्चन पोल में डाल लूँ ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल जाए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मैंने अपना प्लान भी शेयर कर दिया, और आप लोग भी अगर आप लोग को मोटिवेशन चाहिए कुछ, तो बहुत कोई मोटिवेशन तो क्या ही, इंसान को खुद ही मोटिवेशन लेना होगा, आप लोग बस डिप्रेस मत होना, कभी अजीब सा फील हो, कभी बहुत मतलब एक होता है ना ब्रेक डाउन हो जाए, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाए या मेंटल पीस ना मिल रहा हो, तो आप लोग किसी से बात कर लेना, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, जो भी हो आपकी, या जो भी जिससे आप फ्रैंक हो, कुछ कह सकते हो, मन की बात कह सकते हो या जो भी। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो तो हम लोग ना वीकली टारगेट भी सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो वैसे कि साथ में करें तो हम लोग वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं, हाँ या ये करते हैं। तो जैसे आप लोग वीकली टारगेट सेट करो, उसके बाद उसको ज़्यादा हाई टारगेट मत सेट करना स्टार्टिंग में, थोड़ा नॉर्मल उठाना ताकि आप लोग को भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट में अगर टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो हम लोग का अंदर से बूस्टअप होता है एक बॉडी में कि हाँ यार ये कंप्लीट हो गया वगैरह, अब तो और करना है, सारा कंप्लीट करने वाला एक जोश आता है यार, और वही अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो लगता है यार ये फॉलो ही नहीं हुआ। तो इसलिए जितना होगा पहले शॉर्ट ही लो, थोड़ा छोटा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंप्लीट कर लेना टाइम से। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेस्ट करो उस चीज़ को लेके। सो बाय बाय।